subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय हेलो, सब लोग कैसे हैं? सब लोगों को सबसे पहले क्या है, गुड इवनिंग है और आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं कुलदीप महिंद्रा तहसील से आप लोगों का स्वागत करता हूँ रीजनिंग के शानदार सेशन में। तो एक बार मुझे बता दीजिएगा क्या मेरी वॉइस वगैरह यहाँ पर क्लियर है, और यहाँ पर मेरे साथ कौन कौन है एक बार वो भी देख लेते हैं कि मतलब अपने साथ यहाँ पर कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मेरे साथ में हैं नेहा नकुल जी, सानिया जी, नदीम भाई, कपिल भगत जी और प्रतीक जी और छवि सक्सेना जी। आप सभी लोगों का वेलकम है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग और गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और आगाज़ करते हैं चीज़ों के साथ में, बढ़िया से पढ़ते हैं। ऑल ओके, सब बढ़िया है, टन टनाटन और डन डना डन। तो रुपेश जी, गुड इवनिंग। ये हैं फरवरी के बैचेस जो बैंक SSC की तैयारी के हिसाब से हैं। इसमें UP कॉन्स्टेबल का बैच अभी नहीं है, लेकिन वो रहते हैं हम लोगों के यहाँ पे, ठीक है ना। बैंक SSC के आप लोगों को शो हो रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई नहीं है, पढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले वो लोग जो हैं चैट बॉक्स में लास्ट क्वेश्चन का जवाब दिया था, पहला नाम आता है विष्णु गुप्ता जी, तन्नू जी, पीयूष राय जी, अनुलता जी और श्रुति जैन जी। ये वो लोग थे जो हैं चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करा था कमेंट बॉक्स में लास्ट क्वेश्चन का। 306 सानिया जी ने आग लगाते हुए आंसर कर भी दिया है, ठीक है। चलो देखते हैं, इसका राइट आंसर 343 नहीं था एक्चुअल में, ठीक है। हाँ, 306 था, सानिया जी का जवाब यहाँ पे सही है, ठीक है। लॉजिक मैं बता दूँ इसका, बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होता है कहाँ पर, ग्रुप्स में, है ना। कभी आप देखो ना तो आप भी आंसर इसका करना। ये वो क्वेश्चन है जिसको सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होता है और बच्चे तो उसका आंसर रट लेते हैं, तो आप लोग रटना नहीं, कभी समझ लेना लॉजिक क्या है इसका। देखो इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है कि अब की देखो जैसे जनरल वे में ये सारी वाली वैल्यू बनती है, हाँ है ना। हाँ, तो अब की बार इससे सामने वाली वैल्यू बनी है, सामने वाली। जैसे 4 और 3 को जोड़ दिया तो कितना होता है 7, 7 का स्क्वायर प्लस इन दोनों में से, इन दोनों में से जो भी नाम सबसे बड़ा होता है, जो भी नंबर सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर। चलिए सानिया जी, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का अगली बार ऐसा आया था तो। निहारिका जी का भी 306 आ रहा है, 49 और 16 राइट आंसर क्या होगा 65, ठीक है ना। सेम कंडीशन यहाँ पर लगेगी, 2 और 7 से 130 बनेगा, 7 और 2 कितना होता है 9 और हाईएस्ट नंबर क्या है 7 है, तो 81 प्लस 49 कितना होता है सर 130। सेम कंडीशन इन दोनों से नीचे वाला बनेगा, 9 और 6 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, उसमें 9 का स्क्वायर 81 जोड़ दो तो 225 और 81 कितना होगा 306, ठीक है। चलो डन। हाँ हाँ, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो मैं एक बार पूछ लूंगा कि भाई ऐसा क्या टेक्निकल इशू आ गया, ठीक है। चलो चलो, बातें ना बनाओ, आप सबके साथ पढ़ने पे ध्यान दो। ओके लेट्स गो, जल्दी से बताओ इसमें क्या ऑड है, 153, 57, 54 या 178, अलग क्या है बताइए। फाइंड द ऑड वन, बिल्कुल। देखते हैं आप लोगों का लॉजिक सही है कि नहीं है। देखो ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 57 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 54 भी, ये तीनों नंबर प्राइम नंबर नहीं है और ये डिविजिबल है बाई 3, और ये भी प्राइम नंबर नहीं है कहने को, तो ये सभी डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक है। 178 3 से डिवाइड नहीं होता, 178 अलग हो जाएगा पूजा जी, 57 नहीं 178। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है,
40 184 क्या लग रहा है? पुष्पांजलि नमस्कार। हाँ भाई, कौन जवाब दे रहा है इसका? क्या हो गया चैट बॉक्स में? कोई जब लाइन नहीं आ रहा भाई, सोच रहे हो क्या? इतना मुश्किल आ गया क्या? फिर लॉजिक बड़ा आसान है। देखो पता है, कभी कभी हम लोग, देखो कल भी ये रहा था सेशन में और आज भी सेशन में यही है, हम लोग कभी कभी आसान को मुश्किल बना लेते हैं सर। मतलब यहाँ पे 15 है, 40 है और 184 है। बताओ यहाँ से यहाँ तक 40 बनाने के लिए मैंने कितना जोड़ा? 25। और 40 से 184 बनाने के लिए मैंने कितना जोड़ा सर? 144। हाँ है ना, इतना। अब देखो इतना इससे आसान क्या मैं दूँ, क्या दूंगा? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, 24 49 193। 24 से 49 बनाने के लिए 25 जोड़ा है और 49 से 193 बनाने के लिए 144 हो जाए। और आप लोगों ने यकीनन रूप से अब तक बहुत कुछ सोच लिया होगा। नहीं, बी नहीं होगा सानिया जी, क्योंकि इसमें 15 जोड़ रहे हैं ना। ले आप लोगों ने यकीनन रूप से दुनिया भर की तामझाम कर ली होगी कि हाँ ये भी ये भी ये भी, लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाला हिसाब था। तो देखने में लगता है कि विकट रूप परिस्थितियां ले देंगे, लेकिन है नहीं ऐसा जीवन में। कभी कभी बड़ा आसान रहता है मामला। चलिए खैर, अगला ये एक ब्लड रिलेशन का छोटा सा क्वेश्चन है, और इसमें 65 से 80 बनाने के लिए 25 कहाँ लगेगा, है ना? ओके ओके, नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। बताओ क्या जवाब है, बोलो बोलो। शगुफ्ता प्रवीण जी का जवाब आया है सिस्टर, जो कि बिल्कुल सही है। ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं करते हुए सीधे आंसर पे आते हैं। माही जी ने ये बोला है, देखो एक बात, अब मैं जो समझाऊँ ना, एक बात ध्यान रखना, सुनना बड़े ध्यान से। जब आप किसी की ओर इशारा करते हो तो वो आप सेल्फ नहीं हो सकते, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। जब आप किसी फोटो की ओर इशारा करते हो तो वो आपकी खुद की हो सकती है, ठीक है? इस बात को समझ लेना। सबसे पहले मैंने क्या बोला, जब मैं किसी फोटो की ओर इशारा करूंगा तो ये फोटो मेरी हो सकती है, लेकिन जब मैं किसी लड़के या लड़की की ओर इशारा करूंगा तो वो मैं खुद नहीं हो सकता, मैं खुद की ओर इशारा करते हुए नहीं बात करूंगा, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना, फोटो मेरी खुद की हो सकती है। तो मेरी दादाजी का एकलौता बच्चा, तो ये मेरे दादाजी हैं, और इनका एकलौता बच्चा कौन होगा सर? मेरे पापा। तो मेरे दादाजी का एकलौता बच्चा मेरे पापा, ये फोटो मेरे पापा के बेटी की है। अगर मेरे पापा के बेटी की फोटो है तो मेरे पापा की बेटी कौन होगी? मही खुद तो नहीं होगी, क्यों? देखो खुद हो सकती थी अगर ये एक फोटो के इशारा करती, पॉइंटिंग टू अ फोटो, तो ये सेल्फ हो सकती थी, लेकिन अभी नहीं होगी क्योंकि ये दूसरी गर्ल की ओर इशारा कर रही है। यानी कि मेरे पापा, मेरे दादाजी का इकलौता बच्चा मेरे पापा की बेटी की फोटो है, तो अगर ये मेरे पापा की बेटी की फोटो है तो ये मेरी क्या लगी? बहन, ठीक है ना? अगर इसमें पॉइंटिंग टू अ फोटो होता तो राइट आंसर होता सेल्फ और सिस्टर, वो ऑप्शन भी इसी तरह से देता तब होता, अभी नहीं होगा, अभी तो सिस्टर ही सही जवाब है। डन, फोटो में ध्यान रखना, अदरवाइज ये नॉर्मल है। फोटो खुद की हो सकती है, लेकिन अगर किसी को इशारा करते हो तो आप खुद नहीं हो सकते। हाँ, तो मही फिर मेल हो जाएगा ना, और क्या है? अरे माही, MS धोनी साहब, माही तो ही है वो, बताओ। चलो अगला सवाल,
45 पूजा जी का सबसे तेज जवाब आया है, बिल्कुल सही है सर। इन इसको 9 से डिवाइड कर दो आप, 207 में अगर 9 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा सर, 23 आएगा। और इसी तरह से 405 को अगर 9 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा सर, 9 4 36 और ये 9 45, तो 45 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 45 एकदम राइट आंसर है, दोनों नंबरों को 9 से डिवाइड कर दिया गया है। अब की बार तो फंसे नहीं, अब की बार तो निकल गए। चलो इसका जवाब क्या है मेरे भाई, बड़ी वैल्यू तो ये है ना। हाँ सोचो सोचो क्या लग रहा है लॉजिक। रूपा ठाकुर जी, पुष्परंजन जी, छवि सक्सेना जी, निहारिका जी, नदीम भाई, सबका जवाब आ रहा है धनादन। बहुत बढ़िया, बताइए। कपिल भगत जी कह रहे हैं सर 44 लग रहा है, 44, और कपिल भगत जी का जवाब ही सही है। लॉजिक सबसे आसान है, +17 +27, ख़त्म क्वेश्चन हो गया। 15 में 17 जोड़ के 32 आया, 32 में 27 जोड़ के 59 आया, 17 जोड़ के 50 आया, 27 जोड़ के 77 आया, 17 में 27 जोड़ूंगा 44 आएगा, और उसमें 27 जोड़ने पर 71 आएगा, तो 44 एकदम राइट आंसर है, शुद्ध शरीफ जवाब है। ठीक है, ज़्यादा कोई 3-5 करने वाला क्वेश्चन था ही नहीं। चलो मेरे भाई बताओ, अरे टाइमर चलना ही नहीं चाहता आज, क्या बताओ मेरे भाई। क्या होगा जवाब, इसका भी 44, इसका तो रटा हुआ लग रहा है सर। 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें 8, 8 8 16 24 8 4 32, 32 तो यही हो गए। 3 का ये बनेगा 3 का ये बनेगा, 3 और 3 कितना होता है 6, 32 और 6 38, 38 हुए। उसके बाद में सर ये भी तो एक बनेगा, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो 38 और 6 कितना हो जाएगा 44। चलो इसका जवाब बताओ, ये क्या आ गया, ये क्या है, 38 के बीच में पी लिखा है, 911 के बीच में जी लिखा है, थोड़ा अगर 8 और 3 को जोड़ दूं तो 11, लेकिन यहाँ पे तो पी है और इससे भी नहीं बन रहा, बताओ क्या लग रहा है। क्वेश्चन में आपको कौन सा लेटर रिप्लेस कर रहा है बताओ आप लोग। भाई देखते हैं, पुष्परंजन जी ने कहा है भाई, बाकी अभी कोई कमेंट नहीं आया। आप लोगों को जो ही मैंने बोला था ना उसी में जवाब छुपा हुआ था। देखो 8 और 3 को जोड़ो कितना होता है 11, 11 किसकी प्लेस वैल्यू है, के की, और के का अपोजिट क्या होता है, पी, कानपुर याद है, कानपुर, कमला पसंद, कमला पसंद तो नहीं पढ़ाया जाता लेकिन ऐसे भी बच्चे याद रख सकते हैं, कानपुर, कमला पसंद, कटप्पा, के का अपोजिट पी होता है, समझ रहे हो, हाँ या ना। चलो देखते हैं, बी नहीं आ रहा, देखते हैं क्या आ रहा है, नहीं समझ में आया तो फिर से समझाता हूँ। 11 और 9 को जोड़ो कितना होता है सर 20, 20 किसकी वैल्यू होती है, टी की, टी का अपोजिट क्या होता है, जी, समझ में आ गया होगा अब तो सबको, ठीक है। चलो और अब इसी तरह से 3 और 1 कितना होता है,
चार, चार किसकी वैल्यू है, डी की, डी का अपोजिट डब्लू। इसी तरह से 18 और 9, 7 को जोड़ूं तो कितना होता है 25, 25 किसकी वैल्यू है, वाई की, वाई का अपोजिट, अच्छा बी बिल्कुल सही जवाब है भाई, पुष्प रंजन जी का जवाब गलत हो गया, उन्होंने अपोजिट नहीं कराया भाई, बॉय। अब सबका आंसर आ रहा है, सही बात है, यहाँ पर सानिया जी ने बिल्कुल सही, निहारिका जी ने यहाँ पर सही कहा है कि अब सबका आंसर आ रहा है, पहले दे नहीं रहे थे। तो बढ़िया लगा क्वेश्चन, एकदम बढ़िया, फंटास्टिक था, धांसू टाइप का, मजा आ गई होगी, ठीक है। चलो इसी बात पर ट्राइंगल गिन दो जरा जल्दी से, कितने दिख रहे हैं। हाँ हाँ अब तो लॉजिक मिल गया, अब तो खुश हो जाओगे। हाँ हाँ चलो ठीक है ठीक है। चलो इसका जवाब क्या होगा, कोई बात नहीं है वर्ष रंजन जी, सब मोह में आया है, खुश रहा करो एकदम सब लोग। इसमें कितने ट्राइंगल हैं, 16, 14, 19, 21। निहारिका जी ने 16 बोला है, लेकिन मैं एक बात बहुत साफ साफ बता दूं, निहारिका जी के कमेंट पे भरोसा मत करिएगा, भले ही उन्होंने इस बात को 6-7 बार बोला है, और सानिया जी उनको सपोर्ट तो कर रही हैं, लेकिन वो गलत पार्टी के साथ जा चुकी हैं इस वक्त, तो वैसे तो समझ गए होंगे सबके सब 14 लग रहा है फिर सही जवाब, 16 नहीं है तो देखते हैं 14 कैसा है। पहले देखो मैंने यहाँ पे बॉक्स की ट्रिक यूज़ करी, सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 4 का डबल कितना होता है 8, तो 8 तो ये हो गए सूखे सूखे, ये है 9 और ये है 10, 10 दिख गए सबको, 10 दिख गए होंगे, 10 10 के बाद कहाँ है वो देखते हैं। सबसे पहले 10 के बाद एक बन जाएगा सर ये वाला, बोलो हाँ या ना, 11 ठीक है, ओके सर, एक सर ये बन जाएगा 12, सही बात है, ये वाला नहीं बनेगा सर, क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 8 में काउंट हो गया, ठीक है सर, चलिए मान लिया आपकी बात, एक इन दोनों को मिला के बन जाएगा 13, और एक ये पूरा बड़ा खुद है 14, 14 से ना एक ज्यादा है ना एक कम, नहीं 14 ही बनेंगे, पूजा जी ये वाला काउंट नहीं होगा, बहुत सारे लोग इसको काउंट कर लेते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी 8 में फिगर काउंट हो गई है, ठीक है ना, 14 है 14, 14 से एक भी ज्यादा नहीं है, और ये वाली फिगर भी 8 में काउंट हो चुकी है, 8 में ये काउंट हो चुकी है, 14 है केवल, ठीक है, 14 इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए, इसका जवाब क्या है, 14 है मेरे भाई, 14 है, 15 नहीं है, 15 वालों माइनस वन करो, 14 ही है, अरे वो देखो ये जो छोटा वाला आप लोग कह रहे हो ना, ये छोटा वाला ये ऑलरेडी गिना जा चुका है, और कोई और छोटा नहीं बचा, चलो आप लोग बताना इसमें कितने हैं रेक्टेंगल। आगे बढ़ते हैं सर, रेक्टेंगल का तरीका क्या होता है, एक साइड की लेयर जोड़ो और उसका गुणा करो दूसरी साइड की लेयर के योग से, तो 3 × 3 मतलब 9 है, 10 कहाँ से आ रहा है, बढ़ा लो एक, 9 है 9, 10 कहाँ से आ गया, मतलब ये तो गजब वाला था भाई साहब, चलो इसका जवाब क्या होगा बताओ। अरे मैंने उसको भी काउंट कर लिया है जिसको आप लोग कह रहे हो, अरे छोटा वाला नहीं बड़ा वाला भी मैंने गिन लिया है, चलो बताओ इसमें जो क्या अलग है, फाइंड द ऑड वन, 3, 7, 1, 6, 3, 7, 1, 6 निहारिका जी कह रही हैं। देखिए मैं एक बात का बहुत बढ़िया समर्थन दे रहा हूँ, कोई भी निहारिका जी के साथ कतई मत जाइएगा, भले ही उनका कमेंट 3-4 बार आया हो बट बिल्कुल नहीं जाना है, पूजा जी के साथ भी नहीं जाना है और सानिया जी के साथ भी नहीं जाना है, मतलब निहारिका जी, पूजा जी और सानिया जी, इन तीनों का ही जवाब क्या है, पूर्ण रूप से गलत है,
ठीक है, चलिए अब देखते हैं सही जवाब क्या, बाकी लॉजिक अपना जरूर बताइएगा। आगे वाले नंबर का स्क्वायर करके बीच वाली वैल्यू जोड़ दी है तो लास्ट की डिजिट बन गई है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में 4 जोड़ के 8 बन गया है, समझ में आ रहा है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 में 7 जोड़ के 16 बन गया है। लेकिन सर 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 में 3 जोड़ के 4 बनेगा, 8 नहीं, जिस कारण से 138 सही जवाब हो जाएगा। और आई तो भाई साहब मतलब गजब कर रहे हो सब लोग, कल भी थोड़ा सा गड़बड़ आंसर चले, आज भी थोड़े गड़बड़ आंसर चल रहे हैं, मतलब कतई जहर वाली हिसाब है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा बताइएगा, बोलिए मेरे भाई, इसका जवाब क्या होगा। कोई नहीं कोई नहीं, भैंसिया गया पानी में, बहुत सही है, हर बात में भैंस को भेजते रहो पानी में, भैंस को भी सर्दी हो जाएगी, करोना है, समझ रहे हो। चलो 18 जवाब आ रहा है, देखते हैं भाई, देखो इसमें कितने होंगे, 6, क्योंकि 1 2 3 सबको जोड़ के 6 बन गए, लग रहा है इसका जवाब आप लोगों का सही है। ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11, 11 तो सूखे सूखे दिख गए। हाँ 11 के बाद सर 1 और 8 को मिला के 12 बन जाएगा, इन दोनों को मिला के 13 बन जाएगा, और इन दोनों को मिला के कितना बन जाएगा, 14, सही है, 14 तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 14 के बाद एक ये वाली फिगर बनाएगी 15, एक ये वाली फिगर बनाएगी 16, इसके अलावा 16 के अलावा कहाँ पर है, एक ये वाली फिगर जो इतनी तक है ये 17, और एक पूरा बड़ा वाला जो कि आपका फाइनल जवाब बनाएगा 18। ठीक है, चलिए मछली गई पानी में, बहुत सही सही है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे तो सब मतलब सही है, बहुत सही। थोड़ी देर में मगरमच्छ जाएगा, मेंढक जाएगा, कछुआ जाएगा, और अगर कुछ और बचा तो उसको भी पानी में डुबो देंगे, अपने ही राज है, सही है। चलो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, और ये पूछा है सानिया जी ने, किसको भेजा जाए पानी में, है अब पढ़ो सबके साथ बैठ के। हाँ यहाँ पे निहारिका जी का जवाब सही है, अब भाई निहारिका जी के जवाब पे भरोसा कर सकते हैं, सर डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसी में अपोजिट्स है, बाकी किसी में अपोजिट नहीं है। टी का एफ अपोजिट नहीं होता, आर का एच अपोजिट नहीं होता, एक्स का बी अपोजिट नहीं होता, लेकिन डी का अपोजिट डब्ल्यू डी होता है, तो यही सही है। ठीक है ना, चलिए अच्छा अब यहाँ पे डीएस का क्वेश्चन है, यानी कि आपको किस स्टेटमेंट से आंसर ला सकते हो, क्वेश्चन थोड़ा सा बदले हुए रूप में है, ठीक है ना, सीधा सीधा नहीं रखा, क्वेश्चन थोड़ा सा बदले हुए रूप में, आप किससे आंसर ला सकते हो। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन क्लास प्ले फुटबॉल, क्लास में कितने बच्चे हैं फुटबॉल खेलने के लिए, ठीक है। ओनली बॉयज प्ले फुटबॉल, केवल लड़के ही फुटबॉल खेलते हैं। दे आर 40 बॉयज एंड 30 गर्ल्स इन अ क्लास, क्लास में 40 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं, तो ये बताओ कितने स्टूडेंट फुटबॉल खेलेंगे। देखो सबसे पहली बात, एक बात ये बताइए, क्लास में कितने बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि एक क्लास में 40 लड़के और 30 लड़कियां हैं तो 40 और 30 70 बच्चे फुटबॉल खेलेंगे। क्लास में कितने बच्चे हैं उसने ये नहीं पूछा, उसने ये पूछा है कितने लोग फुटबॉल खेलेंगे, तो मुझे क्या बताएं 70 में से कितने जाके ग्राउंड में फुटबॉल खेलेंगे, हम नहीं बता सकते। केवल लड़के ही फुटबॉल खेलते हैं, ओनली बॉयज प्ले फुटबॉल, केवल लड़के ही फुटबॉल खेलते हैं। अब लड़के में से भी 40 लड़के हैं, ओनली ऑल बॉयज आर प्लेड फुटबॉल, तो दोनों को मिला के जवाब हो जाता, अभी किसी से जवाब नहीं आ सकता, नन आएगा नन, बोथ को मिला के कब जवाब होता, ओनली ऑल बॉयज आर प्ले फुटबॉल। डीएस में ध्यान रखना है लैंग्वेज का, केवल सभी लड़के फुटबॉल खेलेंगे, लड़के फुटबॉल खेलेंगे, 40 में से कितने 15 लड़के चले गए, क्या कर लोगे, रोक लेंगे बाकी को, ऑल होता तो बोथ होता, अदरवाइज नन होगा, अदरवाइज नन होगा, ऑल होता तो बोथ होता, सारे लड़के फुटबॉल खेलेंगे तो क्या होता, तो दोनों को मिला के जवाब होता, अभी किसी से नहीं आएगा।
ठीक है चलो अगला। ये तो आसान है, इसमें कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं? कोई नहीं है कोई नहीं है। देखो आप लोग जब गलत करते हो ना, इसका ये मतलब है आपको सीख रहे हो। सबसे पहले ऐसे सोचा करो, ये जरूरी है। गलत करने का सबसे पहला मतलब क्या है? हमने कुछ सीखा। हाँ सही बात है। एनओटी एनओटी कितने हैं? 16। देखो सानिया जी ने जवाब भी दे दिया। तीन इसमें हैं, तीन इसमें हैं, 6 और 3 इसमें हैं, 9। 3 और 3 6 और 3 9। 9 के बाद कहाँ पर है? एक इन दोनों को मिला के बन जाएगा सर 10। एक इन दोनों को मिला के बन जाएगा 11। एक ऐसे करके मिला के बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक काम ये करिए, ये यहाँ का भी ले लीजिए 12। एक इसको आगे तक बढ़ा दीजिए, ये वाला हिसाब 13। सेम कंडीशन इधर ले लीजिए 14। और ये वाला हिसाब आगे तक बढ़ा दीजिए 15। और एक ये पूरा बड़ा वाला खुद स्वयं है तो 16। तो 16 है एनओटी, बिल्कुल वाजिब जवाब है आपका, 16 है। 18 नहीं है, 16 है। 18 नहीं है, 16 ही है, 16 ही है। अरे 18 कहाँ से दिख रहे हैं? जबरदस्ती बाप, 16 है। चलो अगला सवाल। कार्बन से हीरा बनता है, कोर्डम से क्या बनेगा? कार्बन से हीरा बनता है, कोर्डम से क्या बनेगा बताओ? गार्नेट, रूबी, पुखराज या पीरल्स? गहरा लाल रंग, मणिक, पुखराज या मोती, क्या बनाओगे? देखो कार्बन से हीरा बनता है और कोर्डम से क्या बनता है? रूबी बनता है। रूबी मैं दिखाता हूँ, रूबी ये देखो, ये कार्बन दिख रहा है, उससे डायमंड बनेगा। और ये होता है क्या? कोर्डम, लाल रंग का दिख रहा है। हाँ अब देखो, इससे वो डायलॉग याद आ रहा होगा आप लोगों को, पुष्पा वाला, चंदन वाला है ना, पुष्पा का बड़ा फेमस डायलॉग है, ऐसे करके ऐसे कर। तो लाल ध्यान रखना, इसमें रूबी बन रहा है। चलिए अगला, ये ओबर ग्लैंड छुप गई है। वैक्स इज रिलेटेड टू ग्रीस, मिल्क इज रिलेटेड टू, वैक्स का मतलब ग्रीस से है, ठीक है, तो मिल्क से क्या बनेगा? वैक्स से ग्रीस, तो मिल्क से क्या? वैक्स से ग्रीस बनता है, तो दूध से क्या बनता है? दूध से दही बनता है ना, प्रोटीन मिलता है वो एक अलग बात है, बनता तो दही है, सही है, घी नहीं बनेगा। अरे पहले दही बनाओ, दही से बाकी चीज़ें बनाना, पनीर वनीर या चीज़ें, अरे पहले घी दही तो बना लो, सीधे घी बना डाला बाप। अरे दही बनेगा, दही घी बना रहे हो सीधे के सीधे, डायरेक्ट लास्ट की चीज़ कर लो ना, बीच की चीज़ अपने आप मैनेज कर लेंगे बाप। चलो आगे बताओ, यहाँ पे क्या होगा जवाब? हाँ भाई, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, फिल्म ऑफ द ईयर है ये, तो मैं भी मानूंगा। और ये भी देख लीजिएगा पेपर में, बेस्ट एक्टर का अवार्ड उसको मिला, कहीं किसी दूसरे हीरो को तो नहीं मिला, और किसके फिल्म के लिए मिला है ना, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अवार्ड सारे याद रखने हैं आप लोगों को, पेपर में आएंगे ही आएंगे। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? 10 कहाँ से हैं? 10 हैं बाप, 10 तो है ही नहीं, 10 से ज़्यादा है। 14 और 18 जवाब आ रहा है, देखते हैं। चलो 3 तो यहाँ पर हो जाएंगे, 3 यहाँ पर हो जाएंगे, 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 और ये 12। 12 तो सूखे सूखे हो गए, अब 12 के बाद देखते हैं गीले गीले कहाँ हैं। एक ये बनेगा 13, एक ये बनेगा 14, एक नीचे की तरफ बनेगा 15, एक इधर की तरफ बनेगा 16, ठीक है ना, दिख गए होंगे 16 तक। और 16 के बाद 2 और हैं सर, एक ये बड़ा वाला 17 और एक नीचे की तरफ बड़ा वाला 18। तो 18 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 18 है 18, ठीक है ना। हाँ आग लगा दी 18 के साथ सबने, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है कि 2 के अपोजिट में क्या आएगा? क्वेश्चन है कि 2 के अपोजिट में क्या आएगा बताइए? यहाँ पे 2 के अपोजिट में क्या आप लोगों को लग रहा है कि आना चाहिए?
थोड़ा स्लो हो गया हूँ क्या? सही तो आ रहा है। दो के अपोजिट में क्या आएगा? देखो, चार पासों से मतलब नहीं है अपन को। मतलब किससे है अपन को? केवल दो पासों से मतलब है, या तो जिसमें एक नंबर कॉमन हो, या जिसमें कितने नंबर कॉमन हो, या जिसमें दो नंबर कॉमन हो। तो अगर मैं कोई भी ऐसे दो पासे उठा लूँ, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, कोई भी दो पासे पकड़ लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे चार चार यहाँ पर है, ठीक है, एक के साथ दो, तीन के साथ दो, के साथ पांच के अपोजिट में एक आ जाएगा, तो ये वाला उठा लेते हैं। कोई भी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, जिसमें एक नंबर कॉमन हो। तो 1 2 3, यहाँ से अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो 1 6 4, तो दो के अपोजिट में क्या आएगा? चार आएगा। आप कोई भी ऐसे दो पासे उठाओ जिसमें या तो एक नंबर कॉमन हो, या जिसमें कितने नंबर कॉमन हो, दो नंबर, चार कहाँ से आ जाएगा? अच्छा, ऑप्शन नंबर चार कह रहे हो तो सही है ना। दो के अपोजिट में क्या आएगा? एक के अपोजिट में क्या, दो के अपोजिट में क्या आएगा सर? छः आएगा, छः, ठीक है। कोई भी एक पासा उठा लिया, फिर वहाँ से क्लॉक वाइज लिख दिया, 1 2 3, और यहाँ पे 1 6 4, तो दो के अपोजिट में 6 है, 3 के अपोजिट में 4, और 1 के अपोजिट में 5। पूछा नहीं है लेकिन मैंने बाकी के लिए भी बता दिया है। अरे क्या कर रहे हो, डाइस में कहाँ से गलती कर रहे हो? चार आ रहा है सबका जवाब लग के। भाई साहब क्या कर रहे हो, सही हो, होश में आओ जब के जब। जागो, दोपहर हो गई है। बताइए यहाँ पे क्या जवाब होगा। उन्नीस, दस, चौदह, बारह। देखो वैल्यू बहुत बड़ी तो नहीं है। हाँ सर, वैल्यू बहुत बड़ी तो नहीं है, ये तो हम भी मान रहे हैं। तो क्या लग रहा है जवाब? खूब लगाओ दिमागी घोड़े चलाओ, दिमाग के घोड़े खूब दौड़ाओ, तवड़क तवड़क सोचो जवाब क्या होगा मेरे भाई। अर्पणा देवी जी का भी जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया, सही है। अब कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्या जवाब लग रहा है, क्या आएगा? अरे पुष्प रंजन जी आंसर दो, प्रणाम कर रहे हो बैठ के, बाप आंसर निकालो, चलो टाइम अप, बहुत देर हो गया, टाइम तो कब का अप हो चुका था, अब खत्म कर रहा हूँ। इधर देखो लॉजिक, देखो क्वेश्चन अच्छे चल रहे हैं। अब डेली 4 बजे क्लास हो रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट दे दूँ, जिससे आप लोग अपना जो टाइम यूटिलाइज करते हैं मेरे साथ, वो थोड़ा आप लोगों को अच्छा लगे कि हाँ भाई कुछ आप सीख लिए, कुछ नया आ गया, ठीक है ना। जैसे कल रहा था, जैसे आज रहा था, तो 14 बिल्कुल सही जवाब है। देखो मैंने टिक भी कर दिया है, पूजा जी का जवाब भी आ गया है। चलिए देखो लॉजिक क्या है, 5 और 2 कितना होता है? 7। 1 और 3 कितना होता है? 4। 3 और 2 कितना होता है? 5। सबको जोड़ देते हैं, 7 4 5 कितना होता है सर? 9 और 6, 9 और 7 16। बताइए क्लियर हुआ ना, है ना? सबको जोड़ के ये वाली वैल्यू बनी है, सबका सिंगल डिजिट ये है। 2 और 2 कितना होता है? 4। 8 और 1 कितना होता है? 9। 1 और 0 कितना होता है? 1। तो अगर मैं सबको जोड़ दूँ, 9 और 1 10 और 4 14, 14 इज द राइट आंसर। क्या बात है गुरु जी, बहुत बढ़िया, लाजवाब, ठीक है ना। चलो अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दिमाग लगाना है आप लोगों में से, देखते हैं किसका जवाब सही आता है और सबसे पहले आता है। आज किसी ने बताया नहीं था फोटो सेशन होगा। अच्छा सर ये लगाया था लेकिन उल्टा लगा लिया था, चलो कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गिरोगे पढ़ोगे सब समझ जाओगे, ठीक है। चार पाँच दिन से फोटो सेशन ही चल रहा है सही है। हाँ 642 सबसे पहले इसमें जवाब आया है कपिल भगत जी का। देखो अगर किसी को याद नहीं है इसका तरीका तो मैं बता दूं, अगर याद है तो बेस्ट पार्ट है। देखो ये बंदे ने एक बात बोली है, अगर मैं 250 तक लिख रहा हूँ तो मैं कीबोर्ड का बटन कितनी बार दबाऊंगा? जैसे 100 लिखने के लिए मुझे कीबोर्ड का बटन कितनी बार दबाना पड़ेगा सर? 3 बार। 52 लिखने के लिए कितनी बार दबाना पड़ेगा कीबोर्ड का बटन? 2 बार। तो इसी तरह से एक बात मुझे बताओ, 1 से 9 तक कितनी बार कीबोर्ड का बटन दबाओगे? ये बेसिक यूनिवर्सल है। 1 से 9 तक कितनी बार कीबोर्ड का बटन दबाओगे सर? 1 बार।
यानी कि शुरुआत के 9 नंबर लिखने के लिए आपने केवल 9 बार ही कीवर्ड का बटन दबाया होगा, क्योंकि 9 तक एक बार लिखने के लिए एक बार दबाया, ठीक है। अब बात करते हैं 10 से लेकर 99 तक। 10 से लेकर 99 में कोई भी नंबर लिखने के लिए आपको कीबोर्ड का बटन दो बार दबाना पड़ेगा। 12 लिखना है तो भी दो बार दबाओगे, 15 लिखना है तो भी दो बार दबाओगे, 10 लिखना है तो भी दो बार दबाओगे, और 18 लिखना है तो भी कितनी बार दबाओगे, सर दो बार दबाएंगे तो दो बार। अब मेरी भाई एक बात सुनना, अगर दो बार दबा रहे हो तो अब 99 तक में 99 नंबर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि 99 में से 9 तो लिख चुके हैं हम लोग, बचे कितने? 90 नंबर बचे। 99 में से 9 घटा दो 90, तो यानी कि 180। तो बेसिक एक बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि 1 से 99 तक लिखने के लिए 189 टाइम बटन दबता है। पहले बताओ ये वाली बात दिमाग में रख लोगे तो अभी आधी समस्या खत्म हो जाएगी। फिर क्या करना है सर? ठीक है, तो बस 250 में से 99 घटा दो, उसके लिए तो कर चुके हो कैलकुलेशन, और उसके बाद में कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा? 100 से ऊपर कोई भी नंबर लिखने के लिए 3 बार बटन दबाना है, तो 250 में से 99 गए तो कितने आए? 151। तो 151 का 3 गुना कितना होगा? 453। सबको जोड़ दो, 642। बिल्कुल सही जवाब आप लोग कह रहे हो, ठीक है। 9 और 3 12 2 1 कैरी, और 642 बिल्कुल सही जवाब है। 642 डायरेक्ट आप कर सकते हो पेपर में, ठीक है ना। डायरेक्ट आप कैसे करोगे कि 1 से 99 तक कितनी बार बटन दबेगा? 189 टाइम्स, और उसके बाद 100 से 250 तक मतलब 151 का 3 गुना, या जितना भी वैल्यू है उसका 3 गुना करके सीधे 189 में जोड़ दिया, ठीक है। चलो इसमें क्या अलग लग रहा है आपको? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, क्या अलग लग रहा है? चूज द ऑड वन। 1/3 अलग है, 1/4 अलग है, 1/5 अलग है, 1/ क्या अलग है बताइए। बी 1/3, 1/3 बिल्कुल सही जवाब है। सर अगर मैं 1/2 कर दूं, यानी कि किसी भी नंबर में 2 से डिवाइड कर दूं, तो वैल्यू होगी 0.50, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे वैल्यू होगी 0.3333, जो कि एंडलेस है ना। और अगर 1.4 करें तो 0.25 आएगी, और 1/5 करेंगे तो 0.20 आएगी। तो सबसे ज़्यादा जो एंडलेस वैल्यू आ रही है वो 1/3 में आ रही है, बाकी सब में 0.50, 0.25 या 0.20 आ रही है, यानी कि 2 डिजिट तक वैल्यू आ रही है, इसमें 2 से ज़्यादा डिजिट तक आ रही है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? 1/3। सब लोग सही कह रहे हो। हाँ, निहारिका जी ने बिल्कुल यहाँ पर सही कहा है। अब इसमें कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आप लोगों को बताइए? नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे? इसमें कितने ट्राइंगल सीख रहे हैं? हाँ, छवि सक्सेना जी की बात भी सही है, निहारिका जी की। स्क्वायर के पॉइंट ऑफ व्यू पे जा रहे थे, अच्छा। नहीं नहीं नॉर्मली जाना है, ऑब्लिक का था ना, 16 है, 16 और मोर देखते हैं। देखो इस वाली फिगर में कितने ट्राइंगल्स होते हैं? सर 5 होते हैं, ये मैंने कराया आप लोगों को, 1, 2, 3, 4 और एक पूरा बड़ा वाला 5 है ना। तो इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे, 10 तो यही हो गए, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 के बाद अगर मैं बात करूं, ये 13 हो जाएगा, और ये इधर वाला हिस्सा 13, और इधर वाला हिस्सा सर 14 हो जाएगा। और सेम सर इसको ऐसे भी बांट लीजिए, ये 15 हो जाएगा सर, और ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा सर? 16 हो जाएगा। 16 एकदम राइट आंसर, ठीक है ना। हाँ 18-2 भी कर सकते हो, वो भी एक बात है, ठीक है। इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं बताइए? अब इसको फास्ट फॉरवर्ड में बता दो जल्दी से क्या होगा जवाब। देखते हैं सर। देखिए सबसे पहले तो बॉक्स का डबल कर दीजिए, 4 का डबल कितना होता है? 8।
बॉक्स में 8 हो गए। अब हम ये बड़ा वाला गिन चुके हैं, बड़े वाले गिन चुके हैं, मतलब इसका ये है कहने का। ठीक है, तो छोटे वाले गिन लीजिए, 9, ये 10, ये 11, ये 12, इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, इन दोनों को मिला के हो जाएगा 13। 13 इज़ द राइट आंसर, 13। ठीक है ना, चलिए डन। लेकिन नहीं, नहीं रुक जाओ रुक जाओ, 13 नहीं, यहाँ पे कपिल भगत जी का जवाब सही है, 15 है ना। हाँ 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 आपने सही कहा है कपिल जी, भाई मैं भी आपके साथ हूँ कपिल जी। ये भी है सर, ये भी है 14, ये भी है सर, ये भी है 15, 15 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एकदम राइट उत्तर, 15 15, नहीं नहीं 13 नहीं, 15, हाँ हाँ 15 15, अरे हाँ भैया सही है सही है, सब लोग सही कह रहे हैं, 15 है 15, 15 इज़ द राइट आंसर। ठीक है डन, चलो एक सेकेंड रुक जाना, ये क्वेश्चन अब आप लोगों का क्या बनेगा, होमवर्क बनेगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे और इसके आगे क्वेश्चन दिखा आप लोगों को। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगली क्लास में कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही रखे हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे करेंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, ट्राई ज़रूर करिएगा। डेली क्लास का टाइम अब कितने बजे हो चुका है सर, 4 बजे हो चुका है, बढ़िया से ज्वाइन कर जाइएगा, एक बार सेशन को ठेंगा दिखा देना, लाइक कर देना। ठीक है, और बस खुश रहा करो, चलो फिर सबको टेक केयर, और सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी ने सही कहा है, मैं होमवर्क दूंगा अभी, देखो समझदार हो गए हैं सब लोग। ठीक है, अरे बस सब होम आया है। ठीक है, चलिए, और बहुत बढ़िया रहा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा डेली इसी तरह से रखता रहूं। जब आप गलतियां करते हैं तो उसका एक बेसिक मतलब होता है, आप सीखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और दाग अच्छे हैं, जैसे सर्फ एक्सेल वाले भी बोलते हैं, तो मैं भी यही कहता हूँ, गलतियाँ करना अच्छा है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, कितने कब, कल मिले?